सुबह के बिल्कुल वाले 6:07 हो रहे हैं और मैं अभी अभी उठा हूँ। मैं सिर्फ अभी नहीं उठा था, मैं सुबह को 3 बजे भी उठा था, फिर मैं गया, लेकिन कल मैं शाम को ज़्यादा विज़िट करके आया था। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था काम की वजह से, इसलिए मैं फिर आया, फिर सो गया। अब मैं फिर उठ रहा हूँ और अब मैं फिर ब्लॉग स्टार्ट करूँगा। अभी मैं वॉक करूँगा, उसके बाद फिर अब्दुल्ला आएगा। और पता नहीं आपको नज़र आ रहा हो या ना, मैं बिल्कुल तैयार होकर आ गया हूँ ऑफिस वाले ड्रेस में। लेकिन पहले मैं ऐसा नहीं करता था, पहले मैं उठता था, फिर मैं जाता था, वॉक करता था, फिर अब्दुल्ला आता था, फिर अब्दुल्ला के साथ PS भी जाता था, फिर मैं वापस आता था, फिर मैं ड्रेस चेंज करता था, फिर मैं ऑफिस जाता था। बड़ा रोला होता था, तो ड्रेस चेंज वाला सेगमेंट मैंने अभी कर लिया ताकि टाइम बच जाए। I remember the days, always at the same place, the same people every day. अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, एक तो इसकी हाँ, अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा मैं रहीम यार खान से हूँ। और मैं वॉक के लिए आ रहा था और रास्ते में रहीम यार खान का कोई आदमी बैठा हुआ था, आग लगा के वो लोग हाथ गर्म कर रहे थे, तो फिर मैं भी उनके साथ थोड़ी देर रुक गया। I will never forget this black old Corvette. आपका क्या नाम है? मेरा नाम जियाउल्लाह। आपका क्या नाम है जी? बख्तुल्लाह। आपका क्या नाम है जी? जलालुद्दीन। You keep drawing me in the night, it's a sin, but even so, yeah. फिर वॉक कंटिन्यू। I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school. I thought I was a fool. Oh, when I was falling for you, you keep drawing me in. सुबह के 7 बजने वाले हैं और मैं अब्दुल्ला का इंतज़ार कर रहा हूँ। अभी अब्दुल्ला आएगा तो फिर मुझे उसके साथ कहीं जाना है। और दूसरी बात यह है कि आज मुझे एक और काम भी है, लेकिन वो जब मैं आ जाऊँगा तो आपको नज़र आ जाएगा। अभी मैं अब्दुल्ला का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो आ जाए फिर हम जाएँगे। वो दूर शौकत खान पराठा बना रहा है मेरे लिए, और अब्दुल्ला का मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन अब्दुल्ला आया नहीं, तो फिर मैं वापस आ गया। और अभी 8:15 8:30 हो रहे हैं बल्कि, तो अभी मुझे जॉब पे जाना है, नाश्ता करके फिर मैं जॉब पे जाऊंगा। और फिर उसके बाद मुझे अहमद के साथ एक काम जाना है, वो मैं आपको बता दूँगा जब जाऊँगा। नाश्ता कर लिया मैंने, और नाश्ता करने के बाद फिर मुझे अभी ऑफिस पे जाना है, और सब कुछ रेडी है, बस मुझे अब डायरेक्ट ऑफिस जाना है। मैं और अहमद आलमगीर रोड पे आ गए हैं, और वो पीछे जावेद निहारी है, अहमद लेकर आया मुझे। लास्ट टाइम मैं बॉस के साथ आया था और अब मैं खुद बॉस बन गया हूँ। वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं उधर जाऊँ, फिर हम कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ भाई, क्या क्या है? और वो निहारी? हमने ऑर्डर कर दिया और एक निहारी, 4 रोटियां। अब वो आ जाएं, हम वो खाएंगे, उसके बाद फिर अगर थोड़ी जगह वगैरह बची तो हम बिरयानी की तरफ जाएंगे। यहाँ की निहारी मैंने सिर्फ एक दफ़ा खाई है और बॉस के साथ आया था। जब बंदा बॉस के साथ आता है तो आपको पता है बड़ी तमीज़ से रहना पड़ता है, इसलिए मैंने इतना इन्जॉय नहीं किया था। अभी आ जाए फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा टेस्ट था उसका। आ रही है, पूरा आ रहा हूँ मैं। निहारी तो मैंने ख़त्म कर लिया, थोड़ी सी बच गई है बस। और ये मैं आपको कैसे बताऊँ कि बहुत अच्छी थी या बहुत बुरी, क्योंकि ये चीज़ तो आपको भी बता सकते हैं जो खाता हो। मैंने तो खुद दूसरी दफ़ा खाई है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। आपको ये कहने की ज़रूरत तो है नहीं कि ट्राई करनी है या नहीं, तो निहारी खा लिया, वापस जाएंगे। वो जावेद निहारी जा रही है, और निहारी खाने के बाद अब हमारा ये लड़का बैठा हुआ है, अब हमारा लिमका पीने का प्लान है। और जो लिमका है उसकी सबसे खास बात ये है कि आज तक मैंने कभी पिया नहीं है।
आपको पता है रात को ड्यूटी करता है, तू पीछे जा। अहमद रात को ड्यूटी करता है, अभी मैंने उसको जगा दिया, उसको नींद आ रही है। ये अहमद है और पता नहीं क्या करने गया था इतनी दूर, अभी आ रहा है। और हम इस वक्त पीछे हो जाओ, और हम इस वक्त स्टेडियम के मज़ाफात में आ चुके हैं और वो अहमद आ चुका है, पता नहीं क्या करने गया था। और वो मेरे पीछे मेरा अपार्टमेंट है जहाँ पे हम रहते हैं, तो अभी मुझे जाकर वीडियोस एडिट करनी है कुछ, और उसके बाद फिर मुझे घर भी जाना है। तो अभी मैं ऊपर चला जाऊँ, अहमद आ गया होगा, उसने रूम खोल लिया होगा।